नहीं, तुम्हें उनसे कोई खतरा नहीं है, ऐसा मत सोचना। हिलने के बारे में सोचना भी मत। रुक जा, डटा रिलैक्स कर थोड़ा। 3170 हमें घेर लिया है। इस बंदूक की गोलियां निशाना नहीं चुकती, और मुझे गोलियां चलाने में मजबूर मत करो। एक्सीलरेटर से पांव हटा लो, अनलॉक बटन दबाओ और गाड़ी से बाहर निकलो, नहीं तो हमें मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। अब भी निकलो, मशीन लाओ, कांच निकालो। क्या हो क्या रहा है? ए, वो गोली चलाने वाला था, हमें इन पर गोलियां नहीं चलानी थी। सेकंड और है। ठीक है, 30 सेकंड, जल्दी करो। क्या हम तैयार हैं? रेडी। हिलना मत। हमारे पास समय नहीं है, अभी की अभी। राइट से पुलिस आ रही है। पोजीशन लो, रेडी टू फायर। टीम बी को कांटेक्ट करो। डिस्पैच 1097, हम जल्द ही पहुंच रहे हैं। Thank you.
साथ आना था, उसका कब किला मैंने गोली चला दी। तुमसे थोड़ी ही दूर में एक टनल है। एयरपोर्ट की तरफ टनल में हूं। ही एक टर्न है, मुड़ जाओ। अरे वेपन्स को संभाल के रखना, मैं फालतू में इन्हें गवाना नहीं चाहता। उसकी तरफ क्या देख रहा है? क्या मैं उससे नहीं तुझसे बात कर रहा हूं, घूर क्या रहा है? और कौन सा काम बिगाड़ा है तुमने? तेरा दिमाग ठीक तो था ना? कैच एनी टेल्स? मार्क्स ने वो राउंड्स कहां से लिए? फेमोरल आर्टरी, नहीं बचेगा। खतरे का एहसास था हमें, हमने मुसीबत को संभाल लिया, बात खत्म। हेबी, उधर वापस जा और देख कि किसने रिस्पॉन्ड किया है, क्योंकि यह हमें जानना बहुत जरूरी है। बड़ा क्राइम हुआ तो हम बुरे फंसेंगे। सब क्लियर? कोई जीपीएस नहीं? वो काफी ओल्ड मॉडल है, हम सेफ हैं। इसकी काफी मरम्मत करनी होगी, ये मुझे बिल्कुल साफ चाहिए। तुम ठीक हो? हमने पुलिस वालों को मारा है। Yeah.
माय गॉड, यार तुमने तो मेरी जान ही ले ली बेबी, आगे से ऐसा मत करना। तुम इस समय क्या कर रहे हो? अपने रिसेंट कॉल डिलीट कर रहे हो? मेरे फोन में क्या बात कर रहे हो? मुझे तो ठीक से चलाना भी नहीं आता, पागल हुई हो क्या? मुझे तो इसे चलाना भी नहीं आता, बकवास कर रहे हो। हाँ हनी, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना प्लीज। कहाँ थे तुम सुबह के 6 बजे से? कहाँ थे तुम? काम पर तो नहीं थे? ट्रक डीलर्स को लोड रहे थे, क्योंकि तुमसे बदबू तो बहुत गंदी आ रही है। जाहिर है मैं काम पे ही था। आज सुबह ही मुझे ये मैसेज मिला है। तो कहां से आई इतनी गर्मी? ये काम के लिए था? हाँ तुमने शायद गलती से मुझे ये टेक्स्ट भेज दिया। ऐसा कौन करता है? मैं प्ले देख रहा था बेबी, जो तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। I'm sorry। मैं भी। हम आंटी के घर जा रहे हैं, क्योंकि पापा को घर में जरा काम है, तो चलो मेरे साथ। चलो सारे, हाँ आ जाओ, चलो। क्या कर दिया ये मैंने? Hey, सुनो। वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, है ना? Hey, Deb, Deb, क्या पापा हमारे साथ नहीं आ रहे? क्या कर रही हो तुम? Deb, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? नहीं नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। हनी, सीरियसली, ये तुम क्या करना चाह रही हो? बोलो ना मम्मी, पापा क्यों नहीं आ रहे? तुम्हारे पापा के पास टाइम नहीं है। ओह वाह, बहुत सही, अच्छा कर रहे हो तुम। तुम आराम से। नहीं बेटा, मम्मी का कहने का वो मतलब नहीं था। Hey, अच्छे से ये लो। मम्मी ऐसा कुछ नहीं करेंगी, ओके? वो मतलब नहीं था उनका। ओके स्वीटी, तुम ठीक हो? मैं बता रहा हूँ तुम ठीक नहीं कर रही हो। हाँ इधर आओ बेटा। देखो मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा, लेकिन बाद में जरूर आऊंगा, ठीक है बेटा? अच्छा यहाँ मेरे पास आओ, डैडी को हक दो। हाँ चलो चलो, देरी हो रही है, जल्दी चलो। जाने की इतनी जल्दी क्या? कम ऑन, हमें बहुत लंबा सफर करना है, जाने दो अभी। चलो जल्दी चलो। डैब सुनो, क्या कर रही हो तुम? आराम से चलो, गिर जाओगी, आराम से। हाँ आराम से उतरो, चलो चलो। डैब चलो, हम चलो, बात चलो, कर सकते हैं? हाँ ठीक है, जल्दी चलो, आराम से जल्दी। हाँ तुम बैठो, अंदर बैठो, चलो अंदर आओ। एक मिनट तो रुको स्वीटी, सब ठीक हो जाएगा। चलो अंदर बैठो, आराम से संभल कर बैठो, और अपनी बहन का भी ध्यान रखो, उसका भी। ठीक है आराम से बैठो। डेबी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ओ कमाल की बात कर, तो मेरी बेटी के सामने कैसी भाषा में बात कर रहे हो? बहुत गलत बात है। अच्छा, मेरी बच्चों के सामने कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो? तुम्हारे बच्चे हो गए, मेरे नहीं। पीछे मत आओ तुम, अच्छे बाप नहीं हो तुम, किसी ऐसे को ढूंढोगे जिसको मुझ में दिलचस्पी हो। डेब डेब डेबी रुक जाओ प्लीज, ऐसा मत करो, मान जाओ। बच्चों अच्छे से सीट बेल्ट बांध के बैठो, अच्छे से बैठ जाओ। तुम हट जाओ, मुझे यहाँ से जाने की जगह दो। मुझे हटो यहाँ से, मैं कह रही हूँ ना, हटो यहाँ से, मेरे सामने से हट जाओ तुम। हटो, हट जाओ तुम मेरे सामने से, हटो, हट जाओ तुम। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, हट जाओ तुम यहाँ से। ठीक है ठीक है, जल्दी मिलेंगे। गुड मॉर्निंग। Yep.
काफी जोर की लगी है तो गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तो ये गुंडों में से एक है. आपका मतलब ब्लैक आर्मर शॉटगन और गैस मास्क वाला? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? इसकी आइडेंटिटी पता चली? रात काली थी क्या? वो तो है. अगला सब्जेक्ट कौन है? आज आप में वो बात नहीं पता लग रही है. मुझे तो ठीक ही लग रहे हैं. I got enough toxins in me to turn the Gaza Strip into a gay pride parade. अच्छा होगा कि आप अपना अनार का जूस पीजिए क्योंकि हमारा पीस टेस्ट है फ्राइडे को. थर्सडे. क्या साला जो अपनी तरह घास फूस का जूस पीते रहता है, मुझे भी पिलाना चाहता है. बॉल प्लीज. एक और पीस है क्या? मुझे भूख लग रही है. हाँ, उसमें कुछ डोनट पड़े हैं और लगता है पिंक वाला है. स्प्रिंकल्स है. अरे ये डोनट्स बच गए. Those are horrendous, dude. Hey, you guys push back the perimeter. We need to extend the crime scene, okay? Too goddamn small. ठीक है, तो कितने मारे गए? चार लोग मारे गए. छह लोग हॉस्पिटल जा रहे थे लेकिन वो लोग बच जाएंगे. छिपकर उन पर हमला किया जैसे वो खाना खाने आए हों. ट्रक को घेर लिया और ये बेचारा यहाँ वही कर रहा था जो करने के लिए उसे पैसे मिलते हैं. विंडशील्ड पर बंदूक से गोलियां चलाई, इसे बाहर निकाल दिया. वो ट्रक ले गए और पुलिस ने उन्हें आखिरी बार एयरपोर्ट के नीचे देखा था. उन्हें रास्ता मालूम था. म्युनिसिपल एयरपोर्ट के पास था इसलिए उन्होंने इसे चुना. एयर स्पेस रिस्ट्रिक्टेड थी इसलिए कोई हेलीकॉप्टर आ ही नहीं सकता था. गुंडों की ये वाली जात थोड़ी अलग है गाइस. आर्मर्ड कार कंपनी से बात हुई? क्या बोले वो लोग? वो बैंक पिकअप के रास्ते में थे और उनका कहना है कि ट्रक में कुछ नहीं था. ट्रक के अंदर कुछ नहीं था? वो लोग खाली ट्रक चुराने के लिए आए थे? हाँ. फिर इतनी गोलियां क्यों चली? गार्ड ने बंदूक निकालने की कोशिश की, वहीं से ये गोलीबारी शुरू हुई. वाह, जीनियस. ओके, वो SUV, उससे क्या पता चला? ये हमारे किसी काम का नहीं है. विंस बंद पड़े हैं, प्लेट्स चुरा ली गई हैं, इसमें कोई प्रिंट्स भी नहीं है. अच्छा, SID लेकर जाओ, इसे जांच पे लगा दो. एक कोना भी नहीं बचना चाहिए. अरे यार, इस मंद बुद्धि से सुबह सुबह माता बच्ची नहीं कर सकता मैं. तुम लोग संभाल लो इसे. तुम्हारा सरदर्द है बॉस. थैंक यू. ऑलराइट, विटनेसेस. कौन था डोनट शॉप वाला? उसने उन्हें देखा, उन्होंने भी उसे देखा, पर किसी वजह से अकेला छोड़ दिया. सारी CCTV फुटेज निकालो, प्लेट्स देखो कौन कौन आया था, और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से भी बात करो. हाँ, ठीक. ये सब इकट्ठा करके मुझे ऑफिस में मिलाओ. हाँ. और वो ट्रक कैसे भी ढूंढ के लाओ. और निक सेठ, ओरिजिनल पुलिस वाला गुंडा. और बताओ बाब, तुम्हारा टेनिस का गेम कैसा चल रहा है? क्या लग रहे हो बॉस? कहां से मिला तुम्हें ये सूट? बढ़िया. तुम जहां से लेते हो वहां से तो बिल्कुल नहीं. मेरा मतलब, कैसे एक आम पुलिस वाला इतनी महंगी जैकेट खरीद सकता है, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे. इस बकवास जैकेट की बात करो ना, ये तो कुछ भी नहीं है. अपनी बात करो, क्या फैब्रिक है? शो ऑफ करने के लिए बहुत काम आता होगा. नहीं, तुम्हें पता है मैं नहीं कर सकता. नहीं कर सकता ये. नहीं, ये सुबह सुबह तुम्हारा ये ड्रामा तो मैं नहीं झेल सकता. तुमने अभी एक डोनट फेंका है, वो भी क्राइम सीन पर. क्या बात कर रहे हो? तुमने फेंका? ऐसा नहीं करना चाहिए था. हाँ, सही में तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. हे हे हे, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम मुझे पसंद हो. वो घास फूस जो खाते हो वो छोड़कर, लेकिन ठीक है. वेजिटेरियन. मैं वेजिटेरियन हूँ. वेजिटेरियन दूध पीता हूँ. याद रखूंगा. तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कोई लीगल टेंडर चोरी नहीं हुआ, फेडरल की कोई जरूरत नहीं. फिर भी इतना बड़ा ड्रामेटिक पॉज क्यों ले रहे हो? तुम बहुत बड़े खिलाड़ी आदमी हो बॉस, सच में. जानता हूं. आपकी इजाजत हो तो जाऊं, बहुत भूख लग रही है. गार्डिना की पुलिस आ गई और इन जोकरों के आते ही सब कुछ कंट्रोल में आ गया. वहां सब जगह यही छाए हैं. ये कौन सी पुलिस है? मुझे लगता है शेरिफ होंगे. ये देखो यहाँ पे इस जोकर को, मुझे लगता है यही इंचार्ज है.
पहचाना इसे? ये तो फुटबॉल खेलता था। एंडो याद है? फिलिपिनो वाला जिसे पुलिस ने मार दिया था। याद है? इसी पुलिस वाले ने उसे गोली मारी थी। बड़े क्राइम केस हैंडल करता है। अपने दुश्मनों को अच्छे से जान लो। ए, इस क्रू का इंचार्ज कौन है? ज्यादा से ज्यादा 2-3 लड़के जो ये कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को एक खाली आर्मर ट्रक को चुराने की क्या जरूरत पड़ी? गलत टिप, शायद उन्हें पता ही ना हो। तो छोड़ा क्यों नहीं? यार्ड मैं देखता हूँ। नहीं, सब संभालो। उन्हें ये कैसे पता चला कि कसीनो से फेड में एक ट्रांसफर जा रहा है? और वही वाला क्यों जो उनका रेगुलर कैरियर नहीं लेके जा रहा था? कैसे? किसी ने अंदर से खबर की होगी। सिंपल है। तो मुझे वो एंटासिड दो। ओके, खबर मिली थी पर कहां से? मतलब खबरी कसीनो में था, बैंक में था, फेड में, डोनट शॉप कहां? मेरी मैन के बारे में क्या ख्याल है? वो पेरोल पे कब से? तकरीबन 8 महीने से। 8 महीने से? उस ट्रक को कैसे भी ढूंढना पड़ेगा। उस विल्सन के बच्चे पे कोई नजर रख रहा है? हाँ। वही जो मैरीमन के साथ घूमता है उस पे। कौन से बार में था? हाफ ब्राउ। ज़िगीज़ हाफ ब्राउ। चलो सीधा वहीं चलते हैं। Wolfgang, कैसे आना हुआ? डोनी, मैं कंगाल हो गया हूँ दोस्त। कोई बात नहीं, ये मेरे खाते में लिख लेना। बिल्कुल, वही करूँगा दोस्त। Have a good night. ठीक है, सब ठीक है। कैसे हो? पैसा और लड़की के लिए जो हमारे पास नहीं है। यार तुम्हें सबके ऑर्डर्स कैसे याद रह जाते हैं? मुझे तो सिक्योरिटी नंबर तक याद नहीं रहता। बहुत कुछ करना पड़ता है यार। अपने आसपास का पूरा ख्याल रखता हूँ, बस लोगों को पता नहीं है। ईमान, जाने का टाइम हो गया, चलो खत्म करो। बस थोड़ी और। हाँ, ज़िगी मेरी जान ले लेगा, जल्दी करो। ये लो तोहफा, मुझे टिप चाहिए। पिछली बार तो दी थी ना। ठीक है, अब जाओ भी यहाँ से। जानवर है ये लोग। जाना था लेकिन ना। ओके, देखो छुट्टे चाहिए? नहीं, रख लो मेरी जान। शुक्रिया। यहाँ पे पुलिस वाले अक्सर आते रहते हैं क्या? जब देखो तब कोई ना कोई दिख जाता है। हाँ, ये उनका अड्डा है ना, सस्ती दारू। वैसे इनके अलावा यहाँ पे और कई लोग भी आते रहते हैं, नहीं? हाँ, ये इस जगह पर कोई भी आ सकता है, बिल्कुल किसी फेमस बार की तरह। फिर तो तुम्हें भी काफी सारी कहानियां सुनने को मिली होंगी यहाँ। नहीं, उन्हें बस थोड़ी सी दारू, थोड़ा सा चखना, थोड़ी बहुत लड़कियां और बस इतना ही चाहिए होता है। अपने दिल के सारे राज बता देंगे वो तुम्हें। हाँ, सही कह रहे हो तुम। तुम अपने बारे में बताओ, कई सारी लड़कियां पटा ली होंगी अब तक? नहीं? अब बोल नहीं, दो। मैं बस काम करता हूं। मैं भी पट जाता, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं निकलता हूं, फिर मिलते हैं दोस्त। हाँ, क्यों नहीं, जरूर जल्दी मिलेंगे। चल दिए।
Right line. You're up. Yeah. बदमाश, क्या हाल है? ओ, मेरी जान, जाग गए तुम? चलो वहां बैठ जाओ। क्या हुआ, तुम इतना धीरे क्यों चल रहे हो? मैं चाहता हूं तुम वहां बैठ जाओ, वो चेयर है वहां पे। हाँ बस बस, मुझे एक ही चाहिए। तुम लोग बुरा शो। मुझे लगता है आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। Hey, Sporto, you want a blowjob? मेरी पैंट गीली कैसे हो गई? देखो यार, अगर तुम और तुम्हारे टॉम अंकल को लड़कों का शौक है तो बस बंद करो और मुझे यहीं पे खत्म कर दो। क्यों बाबा, तेरी फट गई? होता है होता है, फिक्र मत कर, इस लड़की ने तेरे कपड़े चेंज किए हैं। तुमने गलत आदमी को पकड़ा है। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। तुमसे बड़ी गलती हुई है। कुछ याद आ रहा है? हमसे गलती हुई है ना, जिसको पकड़ना था उसे ही लाए हैं। ज्यादा शाणा बनने की कोशिश मत कर। 17 साल में GTA के लिए गिरफ्तार हुआ, एडल्ट होते ही ट्राई कन्विक्टेड। तुम कौन हो हम अच्छी तरह से जानते हैं। मर्डर अटेम्प्ट के लिए तुमने काफी टाइम गुजारा है कैलिफोर्निया में, मैंने ठीक कहा ना? अच्छा है, कमाल कर दिया यार। उस वक्त तेरी रफ्तार क्या थी? 178। जिस पुलिस वाले ने तुझे रोका उसको क्या बोल के घुमाया तूने? मैंने बोला कि ये रोड अभी अभी बना है। मस्त बंदा है। आई लाइक यू मैन। तू काला लेकिन तेरी बहुत जल्दी फट जाती है। रात में बिस्तर भले ही गीला करता हो लेकिन तुझमें स्टाइल है बॉस। चलो लेडीज, जाने का समय हुआ। अपने जूते उठाओ, सामान संभालो और चलो। लो इसे अपने साथ ले लो। अच्छा, घर में बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। शुक्रिया। चल थोड़ी बातें हो जाए। तू तो स्ट्राइकर है ना, आंखों में आंखें डालकर बात कर। तेरी बर्बादी तुझसे सिर्फ और सिर्फ एक कदम दूर है। उनमें से कुछ लोग के पास गैस पंप है। सच कहूं तो मुझे ये पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा ये बता, इस बारे में तेरा क्या कहना है? देखो, वो फोटो में जो आदमी दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। कभी कभार देखा है मैंने उस आदमी को, लेकिन मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है। जानता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं एक ग्रुप का मेंबर हूं। ऐसा मान ले कि मैं किसी गैंग में हूं, लेकिन फर्क इतना है कि हमारे पास बैजेस हैं, जिसका मतलब तेरा खेल खत्म। और इसे झूठ मत मानना। चल मुझे एक बात बता। ओके, हम लोगों को देख के तुझे लग रहा है हम तुझे अरेस्ट करेंगे और हथकड़ी लगाकर तुझे जेल में डाल देंगे? तुझसे कुछ पूछ रहा हूं मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही समझा, सीधा गोली मारते हैं, सीधा गेम खलास। ठीक है तो बता, तेरा उन लोगों के बीच में काम क्या है? डरपोक है क्या? वो सारे बहुत खराब लोग हैं, चोरी अच्छी करते हैं लेकिन उनका तरीका ठीक नहीं है। क्या लगता है मेरे मन तेरे जैसे लड़कों के साथ बियर क्यों पीता है? हाँ, बातें बनाने के लिए। क्या लगता है बहुत बड़ा तीर मार लेगा तू? पूरे एरिया पे कब्जा करने का तू लाखों करोड़ों रुपए लिया करेगा? यही चल रहा है ना तेरे दिमाग में? सपनों की दुनिया से 12 साल है।
मुझे नहीं पता तुम किस ग्रुप की बात कर रहे हो, लेकिन मैं एक बार में काम करने वाला आदमी हूं जहां पे वो रोक चुप हो जा। अरे यार समझने की कोशिश करो, ये बकवास। अब मेरी बात ध्यान से सुनो उल्लू के पट्टे, तू जिए या मरे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे मन के गैंग में है या नहीं बोल, पुलिस वालों को तू नहीं मारा, अब अपना मुंह खोलने का मन हो रहा तुझे? अरे यार मैं बस ड्राइवर हूं, मैं ड्राइवर हूं यार, अगर मुझे बंदूक भी दोगे तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने मुझे ड्राइव करने के लिए कहा, मैंने किया, बस इतना ही। मुझे क्यों लाया यार? खाली आर्मर ट्रक छुराने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं नहीं जानता, वो मुझे कुछ नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर मुझे पता होगा तो जब पुलिस वाले मुझे पकड़ेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। अब तुम मुझे लाई डिटेक्टर पे डालो, मेरा पॉलीग्राफ करवाओ, मैं यही बोलूंगा, तुम जो चाहो वो करवा लो, मुझे यही पता है तो मैं यही बोलूंगा, इसलिए मुझे यहां से जाने दो प्लीज। मुझे क्यों लेके आए यार? मैं मुझे जाने दो। वाह भाई, इसके जवाब पे तो मैं विश्वास ही कर बैठा था। बहुत अच्छे दोस्त से लास्ट टाइम कब मिला? इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे तुझे क्या मिलेगा? तुझे आजादी मिलेगी, इतना पक्का है। और दूसरा, यहां के असली गुंडे तुम नहीं, हम लोग हैं। कुछ महीने पहले वो बार में आए थे, मैंने उन्हें कुछ ड्रिंक्स दिए और वहीं से सब शुरू हुआ। डॉनी, कम हियर मैन। ये मेरा आदमी है बॉस्को, मेरा जिगरी यार, हमने साथ में काम किया है। ये गाड़ी चला सकता है? अरे वाह डोनी, इसे ट्रांसम सीरीज के बारे में बताओ। जैसा कि इन्होंने कहा, मैंने एक सीजन में उनके लिए ड्राइव किया था। उन सब के नाम बताओ। हवाई वाले, उसके दोस्त का नाम बॉस्को था, वो गोरा लड़का था, वो मिलिट्री में काम करता था TWP के लिए। मैंने उसे कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए उसने मुझे काम दिलाया था। मतलब किसने? मैरीमैन ने? हाँ, मैरीमैन ने, रे मैरीमैन। वो किसका लड़का है? मार्कस का लड़का है, उसके साथ बार में काम करता था और कुछ टाइम उसके साथ साइड में भी था। कहते हैं लड़का कमाल का है, गाड़ी अच्छी ड्राइव कर लेता है। ठीक है, चलो आजमाते। बहुत ही शातिर दिमाग, मेरे हिसाब से वो तभी जेल से बाहर आया ही था। बाहर निकलने के लिए तैयार हो? 514। चलो हथकड़ी लगवा लो। You want any of your shit? Nah. Let's go. हम जल्दी मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। You look great, baby. Come on. Really? You need sunglasses for me? Baby, I'm sorry, I forgot. Here, take mine. Come on.
Yes, they are. They look great on you. Look at that. तुम्हारी उससे कहाँ मुलाकात हुई? काजन में. पहली बार हम वहीं मिले थे. Yeah, fools, I'm back. Johnny, कैसे हो? कैसे हो दोस्त? ठीक हूँ. आओ आओ. Hey, देखो. Oh हाँ. कैसे हो? Johnny, beer. हाँ. Thank you. ये लो. तुमने उस साइड पे भी काम किया है? हाँ थोड़ा बहुत. वो लोग फ्राइडे को नाश्ता क्या देते हैं? सिल्वर डॉलर पैनकेक्स 3 बार. तुम कहां से हो? हाथौन से. तुम ड्राइव कर सकते हो ना? हाँ थोड़ा बहुत. गाओ भी. पहले सीट बेल्ट तो पहन लो. काफी पसंद आई तो अगले हफ्ते उसने मुझे काम पे बुला लिया. हमने स्टेडियम की एक रेप पार्टी पकड़ी. ईगो, गेट बंद करो. एक मिल गया. आई पैक हटाने के बाद काउंटिंग ठीक तो है ना? काउंटिंग चालू है. ये तो बहुत सारे पैसे हैं बॉस. इतना तो काफी है. हाँ सच में पूरी जिंदगी के लिए इतने पैसे काफी हैं? अगर काफी हो तो फिर यहीं पे सब खत्म कर दिया जाए. जैसा कहो तुम लोग. इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं. तुम्हें नहीं पता है ये तो अभी शुरुआत है. तो ठीक है करते हैं. लगे रहो. उन सारे पैसों का क्या किया? मुझे नहीं पता. वो मुझे नहीं बताते हैं. ज्यादा बात भी नहीं करते. जिन्हें छुपाने की आदत होती है उनका ज्यादा मुंह नहीं खुलता. तो अब मुझे जेल ले जाओगे या मैं जाऊं? तू जो कर रहा था वो करता रहा. हमारी मुलाकात होती रहेगी. हाँ
हाँ हॉर्स पावर बी एट फर्स्ट और सेंट्रल 8 बजे लेट मत होना आईडी पर जो प्रिंट्स हैं उन्हें चेक कर रहा था। डोनट शॉप पर जो हमारा आदमी था उसके बारे में पता चला। अपनी ईमेल चेक कर लो। ओके। उसका नाम है मार्क रोडस। ऑकलैंड से है ये। एडीएफ उसे गन चाक्स के लिए ढूंढ रहे थे। और जो तुम बात कर रहे हो उससे ये पता चला कि 29 पॉम्प्स में उसे रखा गया है। उन दोनों की मुलाकात वहीं हुई। बहुत बढ़िया, मुझे उसकी फाइल निकाल के दो। अपने राइट में देखो, तुम्हें पता है क्या है? यहाँ की बैंकों का बाप फेडरल रिजर्व लॉस एंजलिस की ब्रांच। कहते हैं कि यहाँ कभी चोरी नहीं हुई। आसपास की सभी सड़कों पर इमेज और साउंड रिकॉर्डर का इंतजाम है। सड़क के किनारे की बिल्डिंग को 2 मिनट घूरने पर भी सिक्योरिटी तुम्हारे पीछे लग जाएगी और तुम्हें वहां से जाने को कहेगी। अगर तुम दोबारा वहां दिखाई दिए तो शहर के सीक्रेट सर्विस तुम्हारे पीछे लग जाएगी। वहां चोरी नामुमकिन है। यहां पहले भी 53 बार कोशिश की जा चुकी है और कोई भी चोर लॉबी पार नहीं कर पाए। इसलिए हम यहां चोरी करेंगे। ओके, ये रही। 2006 में लगुना निगल वाला मामला। यूएसपी बेचने के लिए वो विक्टरविल में पकड़ा गया। SHU जून 16 तक जेल में रहा। व्हाट क्यू केस फाइल दो। जैसे ही तुम लॉबी में एंटर करोगे शहर की सारी फोर्सेस की नजर तुम पे लग जाएगी। अगर तुम्हारे पास आउटस्टैंडिंग पार्किंग टिकट्स है तो उन्हें इस बारे में पता चल जाएगा। वहाँ सारे एम्प्लॉयज के पास स्वाइप कार्ड्स होते हैं जिससे वो तुम्हें अपने जाल में फंसा लेंगे। वो एक्सेस होते हैं हाईली सिक्योरिटी से, क्योंकि स्ट्रीट लेवल के 2 फ्लोर के नीचे बोल्ट फ्लोर है। उसका क्या नाम था? वो उसका साथी लेबो। लेबो वो मेरे मैन के साथ था। बस इतना ही नहीं, हाई स्कूल में लॉन्ग बीच में फुटबॉल भी खेलते थे। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं। सेंट्रल सिक्योरिटी, ये फेस का नर्व सेंटर है। यहाँ पर आर्मर ट्रक आकर पैसे का टब छोड़ जाते हैं। पैसों का टब फिट के एम्प्लॉयज को दिया जाता है और हमेशा वहाँ पर 500 से 800 मिलियन डॉलर्स पड़े होते हैं और सब एक एक इंच कैमरे और मोशन डिटेक्टर सेंसर से घिरे होते हैं। उनकी खासियत क्या बताई थी तुमने? मुझे ये मिला था 29 पाम्स के HR डेस्क से। क्लोज क्वार्टर बैटल यूनिट, दोनों को मेडलिस्ट में लड़ने का तजुर्बा है। लेबो एक्सप्लोसिव में माहिर है और मैरीमैन सोल्जर कमाल का है। दोनों मैजॉक तेज मरीन, बहुत ही तेज मरीन। पर एक दिक्कत है, हर नोट का सीरियल नंबर फेड के डेटाबेस में रिकॉर्ड होता है। अगर एक भी नोट गायब होती है तो एग्जैक्टली उन्हें पता चल जाता है कि वो कौन सा है और वो उस नोट को फ्लैग कर देंगे। वो नोट बाहर आए और कोई उसे चलाने की कोशिश करता है तो वो उसकी लोकेशन आसानी से पता कर लेते हैं। ओके, और बॉस को पैकरवुड? वो हनिंगटन बीच का लड़का है। वो भी मैसोक मरीन से है। उसने उसके साथ मिशन किए हैं। करियर सॉलिड है बंदे का, पर उसने दूसरे लोगों के साथ काम नहीं किया है। वो विक्टरविल में वुड रेप था जब मैरीमैन वहाँ पर था। वो दोनों वहीं पर मिले थे। डॉनी 1.5 साल तक मरीन था, फिर डिस्चार्ज, और मेरे हिसाब से इसीलिए सारे कमीने एक साथ जुड़े होंगे। स्ट्रीट पर 2 पासपोर्ट थे, स्पोर्ट्स और मिलिट्री। जब भी फेड को बैंक से डिपॉजिट मिलता है वो पहले उसे काउंट रूम में भेजते हैं। वो पैसे काउंटिंग मशीन में डाले जाते हैं। ऐसा करने से उन्हें 2 फायदे मिलते हैं। पहली तो ये है कि बैंक डिपॉजिट 2 बार चेक हो जाती है। अगर बैंक बंद है तो भी ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। और दूसरा, कटे फटे पुराने नोट अलग हो जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो फेड सिस्टम के पुराने नोट के सीरियल नंबर मिटा देते हैं।
और उसके बाद अगर एक बार फेड ने नंबर मिटा दिया तो दुनिया में उन नोट्स की कीमत कौड़ियों के भाव हो जाती है। जो मामले अटके हुए हैं उन पे ध्यान देते हैं। 2004 में बॉलर नेशनल बैंक हॉलीवुड की चोरी, उस वक्त उन्होंने नाले में सुरंग बनाई, सफाई से काम करते हैं, चालाकी से, बड़े आराम से एक्सेस के साथ। और 2005 में फोर्टे आर्मर्ड कार वाला मामला, वहां की तिजोरी शेप चार्जेस से उड़ाई। सिर्फ $100 काउंट रूम में लगभग $30 मिलियन रोज अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। 4 और 5 के बीच में हजारों करोड़ों रुपए मशीन में डालकर खत्म कर दिए जाते हैं। $30 मिलियन मिनटों में कचरा हो जाता है। उसके बाद मैनेजमेंट कंपनी उसे कूड़े में डाल देती है। अगर वो पुराने नोट मशीन में जाने से पहले हमारे हाथ सही सलामत लग जाए तो हमें वो $30 मिलियन मिल जाएंगे। सही कहा। 2006 में लगुएना निगेल, यहाँ भी वही चीज हुई, लेकिन मैरिमन फंस गया इस बार खराब टेल लाइट के चक्कर में। फिर वो गया जेल में 2006 में, और जब तक वो यहाँ पर था, इस पूरे वक्त के बीच बाहर कितनी सफाई से की गई चोरियां हुई, खुद बताओ। एक भी नहीं, बोलते रहो। डोनट की दुकान पे काउंटर वाला बंदा, उसने सब कुछ देखा। उन्होंने उसे जिंदा क्यों छोड़ा? क्योंकि वो वर्दी वालों पे गोली चलाते हैं, आम लोगों के ऊपर नहीं। उन्हें ट्रेनिंग में यही सिखाया गया था। ये लोग गैंग बैंगर्स नहीं है, असल में ये हम में से ही एक है। इन्हें एक बार पकड़ लिया तो ये सारे केस सॉल्व हो जाएंगे। हमें केवल इनकी जरूरत है। तुमने अब तक नहीं बताया कि उस सिक्योरिटी से कैसे निकलना है। हम उस रास्ते से नहीं जाने वाले, हम यहां से जाएंगे। उस काले का क्या सीन है? हम जब चाहे उस पर दांव खेल सकते हैं। मैं कम दिहाड़ी देती हूँ, ठीक है, और ऊपर से डिलीवरी के $3 और टिप हम आधी आधी बांटेंगे। बुधवार से तुम आ सकते हो 11 बजे। थैंक यू। मुझे वहाँ का खाना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। पैसे तुम दो। मैं कोई पैसा नहीं दूंगा। क्यों? हर बार मैं ही जेब खाली करता हूँ। हाँ ठीक है, इस बार फिर से कर दोगे तो? ना सॉरी बॉयज, आज मैं अपना वॉलेट घर भूल गया। फिर से? हाँ। बहुत कंजूस हो। मैं ब्लैक जैक पर $5 के साथ बैठा था और 160 कमा लिए। निकोलस ओब्रायन, बोलिए। आप जरा इसे अपने पास रख लीजिए, आपकी खिदमत में। मुझसे मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। ये क्या चल रहा है? तुम ठीक तो हो ना? लगता है मेरा डिवोर्स होने वाला है। क्या कहा, डिवोर्स? परेशान ना हो, क्लब में तुम्हारा स्वागत है। चलो अब काम पे ध्यान दो। That's the jet. Vegas. इस पॉइंट में 4 दिन पहले ब्लैकआउट हुआ था। पिछले कई महीनों से ऐसा बहुत बार हुआ है। ओके, वो कहते हैं उनके पास फुल बैकअप पावर है, पर असल में नहीं है। थोड़ी बहुत रोशनी रहती है, हाँ, जिसमें हल्का हल्का दिखता है। उनके हिसाब से ये बहुत ज्यादा है, और वहाँ सब कुछ वैसा ही रहता है। जो चीजें जरूरी नहीं है, जैसे कि कैमरा, काउंटर रूम की डिटेक्टर मशीन, सभी की सप्लाई कट जाती है। ब्लैकआउट के हिसाब से कुछ भी प्लान करना नामुमकिन होगा। तुम्हें इसका सिमुलेशन करना है। ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा हुआ तो हम 2 मिनट में पकड़े जाएंगे। हाँ, मतलब इसके लिए मुझे थोड़ा और डेटा चाहिए, श्योरिटी के लिए। ठीक है, एक बार हम काउंट रूम में घुस गए तो सिर्फ कैमरे ही बचेंगे। वो खुद के पावर सप्लाई पर चलते हैं, तो उन्हें ब्राउन आउट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे निपटने का तरीका है कि हम EMP उड़ा देंगे। 30 फीट तक सारे कैमरा मोशन डिटेक्टर बंद हो जाएंगे। तुम्हें यह सब जानकारी कहाँ से मिली? तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है, मुझ पर भरोसा रखो और साथ दो।
टेली कॉल हुक का क्या सीन है? काफी दिन बचे हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्डिंग के अंदर जा रहा हूँ। ये तो बड़े मजे से अंदर जा रहा है। सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है। आईडी करो। इसे हर वक्त अपने पास ही रखना। एलिवेटर की दूसरी तरफ कैफेटेरिया में जाना है। जाने दो इसे, पार्सल है। दरवाजा खोलो। शैरन? हाँ हाँ मैं ही हूँ। अच्छा हुआ। हेलो, कैसी हैं आप? गुड, आप कैसे हो? वो अच्छा है। थैंक यू। इसे कोई नहीं मिलेगा। चुप रहो, क्या कह रही हो? आपका दिन अच्छा हो, मैं दुआ करता हूँ। अब तो हो ही जाएगा। हमारा दिन शानदार रहे। लंच डेजर्ट। बाय लड़के। देखो आ गया वो। Bear's got to eat too. Maybe it's part of his regular route. Wasn't Chinese to the Fed? I left nothing. No, they're casing the joint from the inside. Okay, go back. Other than cash, what else did they take from the casino and the stadium? Fed deposit slips. Those are probably in with the cash. Oh, or not. So what if they were taking the cash to disguise the fact that they were really there for something else? And then they take that on an armored car that's empty. Come on, guys. Look, remember what Donnie said? It's trading up. They're going big. Hey, Nick, you can't take down the Fed, man. I'm sorry. Merriman's no dummy. It's impossible. The Fed is the Olympics, and Merriman is Carl fucking Lewis. Now, I'm telling you. Ryland's holding out on us. Oh my God. Oh, वो आ गया। वो आ गया। सैम, तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। थैंक यू। तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। ऐसा क्या? तुम सचमुच अच्छी लग रही हो। ये मेरी मम्मी है। हाय, मैं रोनाल्डो। मैं हूँ मालिया। तुमसे मिलना चाहती थी। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तुम्हारी मम्मी भी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। शुक्रिया। क्या मैं ले सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर। अब रोनाल्डो, ये मेरे पापा है। कैसे मिस्टर लोबो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे इससे अकेले में कुछ बात करनी है। चलो बात करते हैं। मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। वो सिर्फ बात करेंगे। तो बात यह है कि पिछले 16 सालों से
मेरी बेटी की सेफ्टी और प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी थी और केवल मेरी ही थी, लेकिन जिंदगी में पहली बार मैं देख रहा हूं कि वो जिम्मेदारी मुझे तुम्हें देनी पड़ रही है। सब गड़बड़ मत करना, वरना तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी व्हीलचेयर पूरी जिंदगी धक्का लगानी पड़ेगी, समझे? मेरा बोलने का तरीका शायद खराब था, पर तुम समझ गए ना क्या कह रहा हूं मैं? कोई शक तो नहीं? जी जी सर। समझ गया या तेरे को समझाऊं? हां अबे घूर क्या रहा है? नीचे देख, नीचे शांत हो जाओ। सुनो, ये कहना चाहते हैं कि तुमसे मिलके इन्हें बहुत अच्छा लगा, तो ये तुम्हें मुबारकबाद देना चाह रहे हैं। मैं तुम्हें 11:30 बजे मिलता हूँ, ठीक है? हाँ, 11:30, 11:30 बिल्कुल सही। दामाद तो तुमसे भी अच्छा है। वेज ही खाने का सोच रहा हूँ। अच्छा नहीं यार, दारू के साथ वेज। दारू के साथ वेज दोस्त। डॉनी हो ना तुम? हाँ। तुम्हें मैंने उस दिन जिम में देखा था, है ना? हाँ, कैसे हो तुम? ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं? तुम लॉन्ग बीच पॉली पे फुटबॉल खेलते हो, जाने पहचाने लग रहे हो। नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ। तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? किसी काम से आए थे? हम खाना खाने आए थे बस। अच्छा, खाना यहाँ का बकवास है। हम तो यहाँ लौंडियों के लिए आते हैं। चलो मैं तुमसे जिम में मिलता हूँ। हाँ, जिम में मिलते हैं। गुड नाइट। नंबर 55 है ना, इसीलिए तुम मुझे याद रह गए। 55 नंबर की शर्ट पहना करते थे। मैं साउथ टॉरेंस जा चुका हूं, वहां पे तुम लोगों के साथ काफी बार मैच हुआ। वहां की मस्त फिगर वाली समोअन लड़कियां, सच में माल बहुत भारी था, पर वहां के आदमी आलसी थे, खा खा के ऐसे ही मोटे हो गए थे। हमने तुम्हारी टीम की बैंड बजा दी थी, जब मैं खेल रहा था तब भी, जब तुम खेल रहे थे तब भी, और अभी भी वैसा ही सीन लग रहा है। हम यहाँ पे परिवार के साथ हैं। देखो बदतमीजी यहाँ मत करो। ठीक है, नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो मस्ती कर रहा था। ओए, मैंने बदतमीजी की? हाँ बता। मुझे तो नहीं लग रहा है। देखो दोस्तों, मेरी बात सुनो, तुम्हारी बहुत अच्छी फैमिली है, सब अच्छा चल रहा है, हमें माफ कर रहा हूँ। काम पाए, तुमसे जिम में मिलूंगा डॉनी। गुड नाइट लड़कियों। पुलिस वाले हो? नहीं, तुम हो क्या?
गाड़ी से बाहर निकलो। जाओ। कोई माइक नहीं है। मैंने कहा ना मेरे पास कोई माइक नहीं है। चलो उठ। वो कैसे जानता है तुझे? और जिम की झूठी कहानी मत बताना। मैं नहीं जानता उसे। खत्म कर दे इसे। सच बता, नहीं तो जान से जाएगा। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। वो मेरे पास नहीं आया था। तुम्हें भी जानता है, तुम सबको जानता है। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। वो मुझ पे दबाव डाल रहा था, पर उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। वो और क्या क्या जानते हैं? कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया, और मुझे कुछ पता भी तो नहीं है। और तुम्हें पता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूं, भले ही तुम इस बात को नहीं मानो, लेकिन मैं जानता हूं मैंने नहीं बताया। फ्राइडे, उसे ये बात पता होनी चाहिए। ओके, ऐसी बात है। हे, कैसे हो निक? मैं हूं निक। हेलो, क्या हाल है? बढ़िया। हे, तो फिर आज खाने में क्या है? दारू की स्मेल आ रही है तुमसे निक। छोड़ो, जाने दो, मेरा पेट भरा हुआ है। मुझे एक पैन पास करना बिल्डर। निक, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, अगले हफ्ते डिनर पे बुलाने ही वाला था। मुझे चुपचाप एक पैन दे। थैंक्स बिल्डर। मैं निकलता हूं। नहीं नहीं, अभी मत जा। वाइन टेस्टी है? मजा आ गया, फ्लेवर अच्छा है। तो मुझे कहाँ साइन करना है? कहीं भी कर दूं साइन चलेगा? ओके। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें यह मालूम होगा कि अगर तुमने मेरी एक भी बेटी को छुआ भी, उनकी तरफ देखा या बात की, तो पता क्या होगा? बूम बूम, समझ रहे हो ना तुम? वैसे इस बात की मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, तुम तो खुद ही जानते हो। बिल्कुल ही जरूरत नहीं। क्या तुम जा सकते हो निक, प्लीज?
बस करो नेक। क्यों नहीं? Hey, come on. शर्माओ मत, गले लग जाओ। आ जाओ, काउंसलर के पास जाने से तो अच्छा है। आ जाओ, ये हुई ना बात। ये हमारी जादू की छप्पी। तुम्हें हर जगह सीन बनाने की आदत हो गई है, ऐसा लगता है। हाँ, आदत हो गई है। मेरी बात सुनो नहीं, अब तुम्हें जाना चाहिए। देखो नहीं, उसे छोड़ दो। क्या तुम लोग पुलिस बुलाओगे? नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। नहीं नहीं नहीं, निक, मेरी बात समझो। पुलिस को बुलाओ। मुझे छूने की कोशिश मत करो, मुझे हाथ भी मत लगाना। निक प्लीज, यहां से चले जाओ। By the way, you're hitting that from behind? And you're wondering what that thing is on our ass? That's a tattoo. Please. My name, Big Nick O'Brien. Just adds up. Psst. Call me. मैंने तो कहा था। क्या हुआ तुम्हारे साथ? बुराचो, कैसा लग रहा है? ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? तुम मुझे जिम में कब मिले? हे, आराम से। क्या हो गया? बैठ जाओ। मुझे पसंद आ गया फ्रेडी। बस एक मिनट देना हमें। यहां देखो, अब वो लोग तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। चोरी कब होगी? फ्राइडे। कहां पे? मुझे नहीं पता, पर शायद गुड फ्राइडे के दिन हो। द गुड फ्राइडे? हाँ। तो तुम मुझे बचाने वाले हो ना? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब ज्यादा मत सोचो। अपनी बनियान जरूर पहन लेना। हाँ जरूर।
जी पिको रिवर ऑफ सेविंग्स मोंटेबेलो टाउन सेंटर। ठीक है, मैंने जानकारी लिख ली है, बाकियों को भी इन्फॉर्म करो। वो सब कुछ जानता है। Treat you right. Hello. Oh, I love you, right? I love you too. Let's go. McKenna! Hey, sweetie. कैसी हो तुम? बढ़िया? आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने काम पे जा रहा था, फिर सोचा कि जाते जाते अपने छोटे बंदर से मिलता जाऊं। सही किया ना? हाँ। स्कूल में सब कुछ बढ़िया है? हाँ, हाँ, सब बढ़िया है। हाँ? और आंटी के घर में सब कैसा है? मॉमी और कैसिडी ठीक है? और मेरा हनी बेर कैसा है? हनी बेर ठीक है? हाँ? मेरी याद आई? जाओ मेरी जान, अपना स्कूल अटेंड करो। हम फिर कब मिलने वाले हैं? जल्दी स्वीटहार्ट, हम जल्दी मिलेंगे। मैं घर आना चाहती हूँ। मैं भी। चलो अब तुम्हें लेट हो जाएगा, क्लास में जाओ। मैं बाद में मिलने जरूर आऊंगा। थैंक यू, प्रॉमिस।
पिंकी प्रॉमिस। चलो बाय। रिसेस खत्म हो गई है, चलो चलो सभी क्लास चलो। तुम्हें बुला रहे हैं नहीं? बाय पापा। कम ऑन मैकेना, जल्दी आओ। कम ऑन बेटा, जल्दी आओ। तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। फेड नहीं है, प्लान में चेंज है। अब ध्यान दो, जब तक किसी को उड़ाना ना हो अपनी उंगली ट्रिगर से हटा के रखना, और अगर जरूरत पड़ी तो ये सेफ्टी सिलेक्टर स्विच है, सेमी के लिए एक, ऑटो के लिए दो। मैट वलीज पुरानी निकालो, नई डालो, अच्छे से देख लेना सही जगह लगे। बोल्ट करियर को आगे करो, राउंड टू के लिए तैयार, और इसे हमेशा जमीन की तरफ रखना, समझे ना? समझ में आया? हाँ। चलो तैयार हो जाओ। मैगजीन मिलेगी? हाँ। हमारे सस्पेक्ट्स लोकेशन पे पहुंच रहे हैं। डीए को दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो जैसे ही बैंक में डकैती करेंगे हम उन्हें पकड़ लेंगे। रेडी रहना। हाँ ठीक है। आ गए मरने सारे के सारे। ये इनकी आखिरी चोरी है। अरे देखो देखो इन कमीनों को। तुम लोग
अभी जमीन में लेटे रहो। मेरी बात सुनो, अगर सब लोग मेरी बात मानोगे तो जिंदा रहोगे, और मैं ये सिर्फ एक बार बोलूंगा। अगर तुम लोग हमें कोऑपरेट करोगे तो जिंदा बच जाओगे। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पैसों के लिए आए हैं, तुम्हें मारने नहीं। सब लोग एक जगह पे आ जाओ, एक जगह पे, जल्दी करो। जो भी जहाँ छुपा है जल्दी यहाँ सामने आ जाओ। एक तरफ अपनी आंखें नीचे रखो और मुंह बंद, सब मेरे कमांड पे है। अपने हाथ जेब में डालो और अपने बोन्स निकालो, और दोनों हाथ ऊपर करके सब लोग दो कदम आगे आओ, घुटनों के बल बैठ जाओ। ऑल राइट, जल्दी करो, लटको, जल्दी जल्दी, चलो चलो चलो। आज कोई हीरोपंती नहीं चलेगी, बस बैठे रहो और आराम करो। थोड़ी ही देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे। किसी को बाथरूम लगी है क्या? अपनी बैंड में ही कर लो। Hey, चलो उठ, रुक जाओ, बैठ जाओ। सबसे पहले तो तू शांत हो जाए। hey! मेरी तरफ देख, गहरी सांस ले। गुड, मैं जानता हूं तू इमरजेंसी अलार्म बजा चुका है। मैं चाहता हूं तू फोन उठा, 911 पे फोन मिला और यहां के हालात बता। चल जल्दी कर, जैसा कहा है वैसा ही करना। बोलो कि हमें बंदी बनाया गया है और एक घंटे के अंदर यहां पर $10 million भेज दिए जाएं। अगर हमारी बात मानी जाएगी तो सब बच जाएंगे, एक हेलीकॉप्टर भी जिसमें फ्यूल भरा हो और वो भी फुल। अगर उन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी तो एक एक घंटे पे एक एक को मारते जाएंगे हम। कोई भी पुलिस वाला बैंक के आसपास भी ना हो और हमारे पास किसी भी समझौते के लिए कोई कॉल ना आए, नहीं तो हम एक एक को मारना शुरू कर देंगे। समझ गया? चल फोन लगा। मैंने कहा ना फोन लगा। कोई यूनिट मौजूद है? सेविंग्स मॉन्टबेलो से खबर मिली है, 2891 विलकॉक्स और अटलांटिक में सस्पेक्ट के पास हथियार हैं। जल्दी से जल्दी कोई, अरे यार, उनके पास हॉस्टेज हैं। क्या बेवकूफी चल रही है? उन्होंने मना कर दिया है। रिस्पॉन्ड करो उन्हें, बोलो हम लोग सीन पर हैं, सस्पेक्ट्स पे नजर रखे हैं, इसलिए अपनी टांग ना अड़ाएं। LASD से बोल रहा हूँ, हम उन पर नजरें गड़ाए हुए हैं, पीछे हट जाओ। आई रिपीट, सारे यूनिट पीछे हट जाओ। लगता है वो लोग आ गए। वो कर क्या रहे हैं? रुको रुको, रुक जाओ। तुम लोग यहाँ पे क्या सोच के पहुंच गए? कमीने साले, क्या करने के लिए आओ यहाँ पे? तमाशा देख, क्या हो रहा है? तुम्हारे रहने के बावजूद ये सब कैसे हो गया? ये हमारा केस है और इसलिए हम इनके ऊपर हफ्तों से नजर रखे हुए हैं। वो जैसे ही बैंक लूटेंगे हम उनको पकड़ने के लिए यहाँ बैठे हैं। चलो तिजोरी की ओर, खोलो इसे। चलो अंदर, कम ऑन, बैठो, बैठ जाओ। फोन को स्पीकर पे डालो, जवाब देने के लिए नाम मत इस्तेमाल करना, समझे? हेलो हेलो, मैं लॉस एंजेलिस पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ? मैं ब्रांच मैनेजर बोल रहा हूँ। सर मुझे उनके लीडर से बात करनी है। मैं सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं अपना पहचान बताता हूँ, मैं हूँ ऑफिसर। मुझे तुम्हारा नाम नहीं जानना है, हमारी मांगों का क्या हुआ? मैं इस वक्त किससे बात कर रहा हूँ? मेरे सवाल का जवाब दो।
उस पर फिलहाल काम चल रहा है। पर आपको समझना होगा कि इस मौत के जिम्मेदार तुम होगे। धत तेरी की। उठ जाओ। प्लीज। उठ जाओ। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो प्लीज। मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे जाने दो। मुझे छोड़ दो। मुझे कुछ मत करो। अरे यार तुम झूठे हो हाँ? और कितना झूठ बोलना चाहते हो? उनकी मांगे सुनकर तुमने लोगों को खतरे में डाल दिया है। अच्छा? अब वो लोग जो मांगेंगे सब दोगे। धत साला। बाड़ में जाओ तुम। मैं बाड़ में जाऊं? हाँ तुम ही बाड़ में जाओ। समझे? निकल यहाँ से। बाड़ दूंगा। हट। मेरे ऊपर चढ़ता है। अब शांत रहिए अफसर, शांत रहिए। फट्टू है, फट्टू। अब कौन गुस्सा दिखा रहा है? रहने दो, रहने दो। चलो चलो, रहने दो, शांत हो जाओ। अरे यार यह मामला गंभीर है, प्लीज मुझे बैकअप चाहिए जल्दी। तुम अंदर क्या कर रहे हो मेरे मन? हाँ? मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, प्लीज फोन मत काटिएगा। मेरा नाम डैनी है, आप मुझसे ही बात करेंगे, आपको कोई और कॉल नहीं करेगा। क्या मैं लीडर से बात कर रहा हूँ? मैं ब्रांच मैनेजर बोल रहा हूँ, मैं लीडर के बिहाफ पर बात कर रहा हूँ। तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सुनिए, उन्होंने पहले ही एक को मार दिया है, एक लड़की को। वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। अगर आप मांग पूरी होने के पहले फिर से कॉल करेंगे तो वो एक और को मार देंगे। उनकी मांगे पूरी कर दीजिए। पैसे और हेलीकॉप्टर रास्ते में ही है, पर उसे पहुंचने में थोड़ा और टाइम लगेगा। तुम्हें मुझे कम से कम 90 मिनट देने होंगे, हो सकता है? ओके, दोबारा कॉल मत करना। यहां से लेकर यहां एंट्री माननी। यहां का कोड क्या है? 562 लॉन्ग बीच। हेलो, मुझे देख पा रहे हो? देख रहा हूं। यहां से बच के निकलने का कोई चांस है? लगता तो बिल्कुल नहीं है। उस लड़की के फोन से मेरा नंबर निकाला। मुझे पकड़ना मुश्किल है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वैसे भी अपने साथ हथकड़ियां नहीं लाया। हाँ देख रहा हूं। फोन पे मैरीमैन था क्या? वही था। हाँ, यहां से हम बैकअप देंगे। ओके। और ये पीछे से मुझे और बैकअप की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, ये मेरे पास मैप है। एक मिनट, सुनो, यहां से आपको स्टेशन है। सावधान। लो, उन्होंने दीवारें तोड़ दी। हो क्या रहा है? सभी लोग पीछे। फेडरल रिजर्व अकाउंट रिसीविंग। हे, मैं अल्मेडा से बोल रहा हूँ। हमें पिका रिवेरा पर डिलीवरी शेड्यूल करनी है। तो वेडनेसडे कैसा रहेगा? ठीक रहेगा, आप 2 बजे के लिए कंफर्म है सर? ठीक है, थैंक यू। हमारी लोकेशन ये है? हाँ यही है। तो यहाँ पे क्या है? ये सीवर लाइन है और मैप के हिसाब से यहाँ पे सीमेंटेड हो रखी है।
चॉपर का क्या स्टेटस है? हम सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। रिलैक्स, वो कहीं नहीं जाने वाले। भाड़ में क्या सिग्नल? हमें अभी घुसना होगा। ए ब्रॉन, ए, रुको। ये दवाई तो टाइम से ले रहा है ना? उसे बोलो इसी वक्त वापिस आए। अरे तुम अपना मुंह बंद करो। भाड़ में जाओ। अच्छा सुनो, हमें उसके साथ जाना चाहिए। निक जा रहा है, चलो हम लोग चलते हैं। चलो चलते हैं। अरे ये पागल तो नहीं हो गया? लोग ठीक हो? हम ठीक हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। डरिए मत, हम पुलिस वाले हैं। निक, अरे यार, यही लोकेशन। Hey, मैं कॉल कर रहा हूँ अल्मेडा। आज मैं एक जॉब स्केड्यूल करना भूल गया था। आप आज काम कर रहे हैं? हाँ, आपकी बातें कंफर्म हो चुकी हैं। हाँ चेक, 2:45 पर अपॉइंटमेंट है, यानी 2 मिनट में। Rivera. Horsepower subset. हाँ मैं तैयार हूँ। हे, तुम यहाँ नए हो क्या? हाँ हाँ, उन्होंने मुझे इसी हफ्ते बदला है। अच्छा ठीक है, क्या मैं तुम्हारी आईडी देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू। गेट खोल दो, तुम्हारा दिन अच्छा रहे। सेविंग 22 लाख। हाँ वो हम हैं। ले आओ उसे। चलो रेडी हो? 1, 2, 3। यहां साइन कीजिए। ठीक है। तुम यहां नए हो क्या? जी सर। जरा लेट हो गए हो तुम। हाँ वो दरअसल क्या है कि जरा ट्रैफिक में फंस गए थे हम।
मैं नहीं जानता कि इससे पहले तुम किस रूट पे थे, लेकिन यहाँ पे सब टाइम टू टाइम होता है, तो अगर तुम्हें देर हो रही है तो बेस पे कॉल कर देना। हाँ मेरी गलती है तो मैं रुको, कॉल कर देना, आ जाओ। मैडम तैयार है, अंदर आने दो। ठीक है। नए लड़के हैं, मैं थोड़ी देर में आता हूं। सब ठीक है, तुम कैसे हो? गुड थैंक यू। यहाँ साइन करो प्लीज। सारे सो के हैं? पहले वाले में 100 है और सेकंड वाले में 100 है। थोड़ा समय लगेगा अब। हाँ वो तब क्या तक है, तुम लोग आराम करो और कोल्ड ड्रिंक पी लो। थैंक यू। तुमसे ज्यादा नहीं, रोकने के लिए सॉरी, क्राइम सीन तुम्हारा हुआ। ऑलरेडी अंदर आ गया हूं, सिल्वर बैक में मैं हूं, हॉर्स पावर आमीन। हाँ ठीक है सिल्वर बैक, लाइट्स बंद कर रहा हूं। फिर से लाइट चली गई जॉनी, फिर से लाइट चली गई यार। चलो शटर डाउन करो, उन्हें काउंट रूम से बाहर निकलो। चलो निकलो, थोड़ी देर के लिए तुम्हें बंद करना होगा, सारी टीमें ब्रेक लो। ठीक है, वहां चेक करो दूसरे रूम में। लुई जी बाहर आओ, वहां देखना तो। हाँ हाँ सारे अकाउंट रूम सिक्योर कर दो। हाँ ठीक है। चुका है, वो जगह खाली कर रहे हैं। पूरा बंद कर दो। ठीक है। हाँ ठीक है। रेडी रुको। ईएमपी बॉक्स ऑन करो। क्या उधर सब ठीक है? इधर सब ठीक है। हाँ रास्ता साफ है, जाओ। ये क्या हो रहा है? चेक करो क्या हो रहा है। ये कौन से कमरे का है? ये वाला नंबर। अभी तक आ जाना चाहिए। क्या मदद कर सकता हूँ? मैं शरण हूँ फेड से। मैंने 1.5 घंटे पहले ऑर्डर किया था, अब मेरी ब्रेक खत्म होने वाली है। क्या है ये सब? बस कुछ ही मिनट में आता ही होगा। उन्होंने खाने के लिए
कॉल किया। जल्दी करो। ये लाइट कब तक आएगी? अभी तो ब्राउन आउट है। हमें कुछ तो करना होगा जल्दी से। ठीक है, डन। काउंट का भी देख लेना जरा। सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है। चुप जाओ, चुप जाओ। दोस्तों 100 काउंट चेक करो, जल्दी करो, डिटेक्टर बंद है। सब क्लियर है, जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ सुनो। अरे यार तुम लाइन पे, तुम कैसे हो? हाँ क्या? अरे बेवकूफ, तुम्हें बटन सही से दबाना होगा। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? इस बेवकूफ को तो वॉकी टॉकी भी यूज करना नहीं आता है। वो कैफेटेरिया में है, जाकर पकड़ो उसे। ठीक है ठीक है, मैं जाता हूँ। रास्ता साफ है, जाओ। बेवकूफ हो क्या? तुम्हें वॉकी टॉकी भी यूज करना नहीं आता है? क्या? वो मैं नहीं हूँ। बकवास बंद करो, मेरे साथ चलो। चलो आओ, आओ जल्दी आओ। और कितना समय है? तुम्हारे पास लगभग 2 मिनट है। क्या हुआ, कुछ मिला क्या वहां? हाँ यहाँ सब ठीक है, यहाँ सिर्फ मिट्टी और कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं कमरा बंद कर रहा हूँ, सब कुछ वहां पर देख लो अच्छे से। ठीक है? हाँ ठीक है। कहाँ हो तुम? मैं हॉर्स पावर हूँ, मैं वेंट में हूँ। ग्रीन पीस, तुम्हारा काम हो गया, चलो निकलो। चलो सब कुछ ठीक हो गया। सभी टीम काउंट रूम में वापस आ जाओ। LAPD सेंट्रल से कनेक्ट करो, उनसे बोलो हम नजर रख रहे हैं एस और ग्रैंड रोड पे। कोड 5 रिक्वेस्ट, हमें मुजरिमों को रंगे हाथों पकड़ना है। जी हाँ, हम फौरन पहुंच रहे हैं। ये तो पहले भरा हुआ था ना? पता नहीं, चेक कर लेते हैं। Seven twelve two hundred. Brazil.
काउंटिंग चालू है। हाँ ठीक है, जाके उसका ट्रक वापस भेज दो। ठीक है, देखते हैं। काउंटिंग तो सही थी, लेकिन दोनों डब्बे आधे हो गए थे। क्या कहा? तुम्हारे डब्बे आधे भरे हुए थे। हमें तो ऐसे ही मिले थे। अगली बार उसे कैश चेक में डाल देना, काम आसान हो जाता है। दिमाग से काम करो, फायदे में रहोगे। ओके ठीक है, एडवाइस के लिए थैंक यू। मैं तुम्हें टिप जरूर देती, पर तुमने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी आने में। हाँ I'm sorry, मैं अकेले हूँ इसलिए थोड़ी देर हो गई आज। आपका ड्रॉप कंफर्मेशन दोबारा देख सकता हूं। ओके, मैं अभी आया। चाइनीज डिलीवरी वाला भेज दो उसे। वहीं रुको। 245 भेज दो से। एक सेकंड ही लगाना। तुमने यहां साइन नहीं किया था। नाम क्या है तुम्हारा? अरे यार मैंने साइन तो किया था, तुमसे पहले जो बंदा था उसके सामने, मुझे नहीं पता कहां चला गया। अरे ये क्या हुआ तुम्हें? मैं अपने पैसे वापस लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं अपने पैसे लेकर ही आऊंगी। ओके। लगता है सब ठीक है। सब ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑफिसर। यूर वेलकम, हैव अ गुड डे। ठीक है। चलो जाओ यार। थैंक यू। लॉबी की सिक्योरिटी को कनेक्ट करना प्लीज।
लॉबी। हाँ, आपने डिलीवरी वाले को देखा है? रेड शर्ट, सांवला रंग, 6 फुट लंबा। क्या क्या? रोको उसे। पहली और दूसरी साइड पर नजर रखो, हम लोग तीसरी और चौथी को देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल। हमें सिक्योरिटी ने रोक लिया था। तुम्हारी लोकेशन क्या है? ग्रैंड रोड के साउथ में, अभी अभी वर्नन से आगे निकले। गेट से राइट जाओ, राइट गेट से। अच्छा ठीक है। जल्दी निकलो, नीचे उतरो, जाओ यहां से। कुछ मत करना। वोरा लाल शर्ट में। हमें मुजरिम दिख गया है, नाइंथ लेन में हिल की तरफ, वो ईस्ट में जा रहा है, रोड के साउथ में। उसके आगे जाके रोकना, बिल्कुल आगे। आज तुम्हें इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले उसका मुंह दीवार पे मारना। चलो चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो, सब निपटाओ जल्दी। साले कमीने, बता कहाँ है वो, कहाँ भाग गए वो साले, जल्दी बता, बता कहाँ, खड़ा कहाँ है साले, ना वॉकी टॉकी पूछ ले, बता वो है कहाँ। पैसिफिक होराइजन सैल्वेज, साउथ गेट में, वहीं है रैली पॉइंट। चलो बैक, बोलो। हॉर्स पावर पकड़ा गया। फिर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हॉर्स पावर पकड़ा गया, उसका खेत खत्म है। मैं अभी तैयार हूं, कहां जाना है? चलो सब काम हो गया। हाँ हाँ हो गया हो गया। उठाओ उसे। पैसिफिक होराइजन सैल्वेज, साउथ गेट, अलामेडा कॉरिडोर। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। बाकी का क्या हुआ? सब खत्म हो गया। के पास
आगे ट्रैफिक है, क्या करें? कॉरिडोर का रास्ता साफ है। हमने अभी साउथ जाने वाला अल्मेडा कॉरिडोर बंद कर दिया है। मुजरिम के करीब हूं, 6 o'clock। राइट लेन पूरी तरह से बंद है। आई रिपीट, आगे राइट लेन बंद है। वो देखा तुमने? गाड़ी के पीछे देखो। अरे ये क्या? ट्रैफिक बहुत है, आगे नहीं बढ़ सकते। बैकअप आ गया उनका, हमें निकलना होगा। तो तेरी ये। हाँ। वही है। ओह। मेरी जैकेट दो। ओके। ये लो। हम लोगों ने इन्हें घेर लिया है, बात बिगड़ने से पहले खेल शुरू किया जाए। ऐसे हथकड़ियां लगाओ। याद रखना, मुजरिमों ने बॉडी आर्मर पहना हुआ है। बॉडी पे कोई शूट नहीं करेगा, केवल पैरों पे और सिर पे करेंगे। जी समझ गया। राइट टर्न लो। तैयार? चलो चलें। ओह क्या, वो गाड़ी से बाहर निकल गए। जी तुम राइट की ओर जाओ। गास बुराचो सेंटर मेरे साथ। मर्फ लेफ्ट में रहना, वहीं से कवर करो। मुझे मशीन गन दो। भारी है। चलो चले। सर नीचे करो।
दो मुझे। आगे बढ़ो। No.
कोई फायदा नहीं। कहा था ये भी सारा भाग गया। ये देख रहे हो, बाकी पैकेट्स खोलो। अरे ये क्या है? ये क्या है? इस कचरे के लिए उन लोगों ने इतना बड़ा रिस्क लिया, पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। साथियों की क्या खबर है? उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। उनकी बीवियों को बताओगे तुम? ठीक है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। मुझे माफ कर दो, तुम्हारा एक आदमी शहीद हो गया। शुक्रिया। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, थोड़ा बहुत। नेक, तुम्हें स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। ये लो, ये ऑर्गेनिक है। फेड में हर चीज का हिसाब होता है, जानते हो ना? लगता तो ऐसा ही है।
है डॉनी काम पे आया है? उसने छोड़ दिया। मतलब तुमने उसे आज नहीं देखा? मैंने कहा उसने काम छोड़ दिया 2 दिन पहले। बियर चाहिए? हाँ बहुत जरूरत है, ले आओ जितनी है। इनके लिए बढ़िया सी बियर ले आओ। थैंक यू। क्या तुमने देखा उस लड़की को? क्या मस्त लग रही थी यार। वो नई लड़की जो हॉल में काम करती है? हाँ वही लड़की। कैसे भाई? बहुत बढ़िया। सब बढ़िया। तुम कैसे हो? काफी दिनों के बाद हाँ। चलो ठीक है, आ जाओ। हाँ 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 और क्या? यानी लास्ट ईयर जब था ना। अच्छा। पीके टल्ली हो गया था वो। और क्या? मैं अपने आसपास का पूरा ख्याल रखता हूं और लोगों को पता भी नहीं चलता। साला कमीना। हे हे, कैसे हो? कुछ लेंगे आप लोग? हाँ दोस्त, मेरे दोस्तों को बियर पिला दो। सच में? नहीं नहीं नहीं, क्या मजा आ रहा है। अभी देखना एक गोल और होगा। अरे देखो देखो, मुझे नहीं पता, हैरान कर दो मुझे। क्या मैं कर सकता हूं? चीयर्स। चीयर्स। तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि तुम पहुंचे हुए हो और बस तुम ही ये कर सकते हो। सुनो, अगर ऐसा होता तो फैसले मेरे होते, टीम मेरी है, सरदर्द मेरा है, समझे तुम? ओके, अच्छी तरह समझ गया। तो ऐसा ही होने वाला है। बस यही जो है सब यही है, यही इकट्ठा किया है मैंने। ये सब तुम्हें कहां से मिला? ये सब मुझे उसी बार से मिला, बहुत दिनों में इकट्ठा किया है मैंने। शानदार। आओ मेरी मदद करो। सड़क के पार काम करते हो ना? हाँ। डायमंड एक्सचेंज। सही कहा तुमने। बियर मेरी तरफ से। Turn back now, got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff, through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way, I tell them the truth, but they think it's just made.